A very warm and beautiful good morning to my dear students of fifth class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpna Chavla Vidya Peet. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. Yesterday we have started pre present tense. Today we are going to do more in this topic convert into negative and interrogative sentences. You are given some sentences of simple present tense and you have to convert them into negative and interrogative. तो इसको चेंज करने का बेटा रूल क्या होता है आपका? For negative and interrogative sentences, we have to use do or does. क्या यूज़ करना है बेटे हमने do and does. Do आप यूज़ करेंगे? आई यू दे वी एंड क्लुरल नाउन्स के साथ ओके और डज आपका यूज होगा बेटे ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ एंड टू डू आप कहाँ यूज़ करेंगे आई यू दे वी एंड प्लुरल नाउन्स मीन्स प्लुरल सब्जेक्ट्स आपके एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यू हैव टू यूज़ डज़ ओके अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन रोहित गोज़ टू मार्केट अब रोहित आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट विल भी सेम आफ्टर दैट यू हैव टू यूज डज क्योंकि रोहित इज सिंगुलर रोहित डज नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रोहित डज नोट गो टू मार्केट उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करने क्योंकि हमने डज यूज़ किया तो हम गोज यूज नहीं करेंगे इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है रोहित डज नोट गो टू मार्केट अंडरस्टूड इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस मींस जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रोहित मार्केट जाता है तो इसमें आपका डज नंबर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और रोहित इसके आगे लिखोगे आप डज़ रोहित गो टू मार्केट वेन एवर वी यूज डू और डज़ वी यूज़ विदाउट एसो रियस फॉर्म वर्ब जब भी हम बेटा डू और डज का यूज़ करते हैं तो अब जो वर्ब यूज़ करते हैं उसमें तो वर्ब जो है आपकी वो विदाउट एसोरियस यूज करनी है मीन जैसे गोज़ आपको दे रखा था बट आपको क्या करना है गो गो करना है दोनों जगह पे ओके okay, दोबारा समझाती हूँ नेगेटिव सेंटेंसिस होते हैं नोट वाले सेंटेंसिस इसमें बेटा नोट लगता है तो इसको आपको कैसे करना है रोहित गोज टू मार्किट रोहित डज नोट रोहित आपका सिंगुलर है सिंगुलर के साथ आप डज का यूज़ करते हैं रोहित डज नोट या डू नोट डू नोट हम प्लुरल के साथ यूज़ करेंगे तो रोहित डज नॉट गो टू मार्केट फुल स्टॉक इंट्रोगेटिव मीन जिसमें आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं डज डज आपका शुरू में आ जाएगा फिर रोहित गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अंडरस्टूड आफ्टर दैट इन सेकेंड एग्जाम्पल वी डू आर वर्क कि हम अपना काम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस मतलब अपना काम नहीं करते हैं तो वी के साथ आप डू का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं डू वी डोंट डू आर वर्क वी डोंट डू आर वर्क ओके इंट्रोगेटिव में क्या होगा बेटा डू डू आपका पहले आ जाएगा डू एट जो भी हमने यूज़ करना होता है उसको हम फर्स्ट फर्स्ट रखेंगे उसके बाद अपना सेंटेंस राइट करेंगे इंट्रोगेटिव में डू वी डू आर वर्क क्वेश्चन मार्क ओके अब आपको वर्कशीट जो कंप्लीट करनी है बेटा ये आपको दे रखी है ये सिक्स सेंटेंसेस हैं आपको इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है जैसे फर्स्ट है मोना क्लींस द हाउस अब मोना इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज डज नेगेटिव में क्या बनेगा मोना डज नॉट क्लीन द हाउस वर्ब हमने विदाउट एसोरियस यूज करेंगे मोना डज नॉट क्लीन द हाउस और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा डज मोना क्लीन द हाउस क्वेश्चन मार्क ऐसे सेकेंड में दे डेकोरेट द हाउस तो दे आपका प्लूरल है तो दे डू नोट या दे डोंट डेकोरेट द हाउस और डू दे डेकोरेट द हाउस क्वेश्चन मार्क अंडरस्टूड यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन यूर नोटबुक और ग्रामर होप यू अंडरस्टूड इट वेल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा तो वीडियो को बार बार सुनोगे तभी आपको ध्यान से समझ में आएगा ओके बेटा थैंक यू हैवे नाइस डे बाय बाय